हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है OSR, मतलब कि वन शॉट ट्राइजिंग। तो ये इंस्ट्रक्शन कैसे काम करेगा और इसके थ्रू हम एक प्रोग्राम भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और हम ये डिस्कस कर रहे हैं एलन बेडली PLC के ऊपर। यहाँ पर मैं एलन बेडली PLC का और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। एलन बेडली का पूरा सीरीज आएगा और साथ में सीमेंस और भी बाकी सारे PLCs का सीरीज भी आएगा और स्कैडा भी साथ में रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए चैनल के साथ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा माइक्रोलॉजिक स्टार्टर लाइट। यहाँ पे हम सिमुलेशन के थ्रू देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक इनपुट ले लेता हूँ और साथ में आएगा अपना OSR इंस्ट्रक्शन, मतलब कि वन शॉट राइजिंग। ये रीसेट हो गया बिट, ये OSR, ये OSR आ गया। तो इसमें दो एड्रेस देना होता है, ठीक है। ये देखिए, ये एक स्टोरेज एक आउटपुट, तो दोनों जगह पे हम दो दो एड्रेस डाल देते हैं। मैं बाइनरी एड्रेस डाल देता हूँ, स्टोरेज पे मैं 0 दे देता हूँ और आउटपुट पे 1, मतलब दो अलग अलग एड्रेस हो गया। V3:0/1 ये हो गया आउटपुट बिट के लिए और स्टोरेज बिट के लिए हो गया V3:0/0। और अभी इनपुट की बारी। ये इनपुट को मैंने एड्रेस दे दिया और अभी देखते हैं कि ये जो OSR है ये कैसे काम करता है और हम इसके थ्रू एक प्रोग्राम भी करेंगे, एक नॉर्मल छोटा सा प्रोग्राम। लेकिन उससे पहले ये मैंने इनपुट लिया और साथ में ये आउटपुट जोड़ देता हूँ। और अभी ये इनपुट पे आएगा आउटपुट का बिट, मतलब बाइनरी का जो 1 है, V3:1 ये आ गया और अभी आउटपुट का एड्रेस आएगा। ये आउटपुट का एड्रेस आ गया, तो चलिए अब इसको डाउनलोड करते हैं। ये हो गया, मैं इस इनपुट को ऑन कर रहा हूँ। देखिए क्या हो गया कि आउटपुट ऑन होके ऑफ हो गया। फिर से देखते हैं, ये ऑफ किया मैंने, ये मैं टॉगल बिट किया, तो ध्यान दीजिएगा आउटपुट ऑन होके ही ऑफ हो गया, मतलब कि ये वन शॉट राइजिंग है, मतलब थोड़ी देर के लिए ऑन होके फिर ऑफ हो जाएगा। यही इसका फंक्शन है, ये वन शॉट राइजिंग है, बहुत ही शॉर्ट पल्स देगा, एक राइजिंग पल्स देके ऑफ हो जाएगा, मतलब कि ऑन होके ही ऑफ हो जाएगा। देखिए ये ऑन होके ऑफ हो गया। तो ये था इसका ऑपरेशन। अभी इसकी मदद से हम एक प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम का क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है, तो आपको क्या करना है कि एक ही इनपुट से आपको इसी आउटपुट को ऑन भी करना है और ऑफ भी करना है। लेकिन ये तो बहुत ही सिंपल होगा कि हम इनपुट को ऑन किए, टॉगल बिट किए तो ऑन हो गया, ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। लेकिन ऐसा कंडीशन नहीं है। मान लीजिए कि ये एक पुश बटन स्विच है, टॉगल स्विच नहीं, ये एक पुश बटन स्विच है। तो फर्स्ट टाइम जिस टाइम हम पुश बटन को ऑन करेंगे, प्रेस करेंगे और प्रेस करके छोड़ देंगे, तो ये आउटपुट ऑन हो जाएगा। और सेकेंड टाइम इसी पुश बटन स्विच से आपको उसी सेम आउटपुट को ऑफ भी कराना है, मतलब कि एक ही पुश बटन स्विच होगा आपके पास और एक ही आउटपुट रहेगा। तो इसी को उसी पुश बटन स्विच के साथ आपको ऑन और ऑफ करना है। ऐसा और एक भी एक टाइम प्रोग्राम मैंने डाल के रखा है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। वो स्कैडा के साथ कम्युनिकेशन किया हुआ है, वो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। तो अभी चलिए हम OSR इंस्ट्रक्शन के सारे इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए मैंने एक रंग बैच लिया, ये बस अपना डिजाइन हो गया कंप्लीट। अभी इसको एड्रेस दे देते, लास्ट प्रोग्राम में हमने क्या किया था कि यहाँ पे दो इनपुट का एड्रेस था, एक ही इनपुट का एड्रेस था और एक आउटपुट था, बस इतना ही था। और हमने क्या किया था
ऐसे ही एक ही इनपुट से एक आउटपुट को ब्लिंक कराए थे, और साथ में ब्लिंक का और भी दो प्रोसीजर था। और अभी हम वही सेम मेथड यूज़ करके एक ही आउटपुट को एक ही पुश बटन स्विच से ऑन और ऑफ करेंगे। तो चलिए हम प्रोग्राम को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे ये फंक्शन कैसे हो रहा है अगर आपको सही से समझना है तो आप जाके वो वाला वीडियो देख सकते हैं, ब्लिंकिंग बल्ब वाला वीडियो। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लेना। तो चलिए अपना ये पुश बटन स्विच ऑन करते हैं। पुश बटन मतलब कि हमें दो बार टकर के टगल बिट करना होगा। एक बार टगल बिट करना मतलब कि इंडिकेट करेगा कि स्विच प्रेस हो रहा है, और दूसरी बार टगल बिट करेंगे तो वो इंडिकेट होगा कि स्विच रिलीज हो रहा है। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने टगल बिट किया। अभी देखिए अपना आउटपुट ऑन है, मैं स्विच को ऑफ कर देता हूँ। हाँ देखिए अभी अपना इनपुट ऑफ है लेकिन आउटपुट ऑन ही है। सेकेंड टाइम हाँ देखिए ये कैसे हो रहा है कि हम नॉर्मली ये B3 का NC और साथ में आउटपुट का NO तो नीचे से सप्लाई जा रहा है, ये अभी आउटपुट ऑन है। तभी सेकेंड टाइम जब भी मैं इसको ऑन करूँगा देखिए क्या हुआ कि अपना आउटपुट ऑफ हो गया। फिर से अगर मैं टॉगल बिट करूँगा तो ये फिर से ऑन है। और एक बार टॉगल बिट करता हूँ मतलब स्विच को रिलीज कर देता हूँ। अभी अगर दोबारा से टॉगल बिट करूँगा तो मतलब स्विच प्रेस करूँगा तो आउटपुट फिर से ऑफ हो जाएगा। और अभी इसको रिलीज कर देता हूँ। ठीक है, ये था हमारा छोटा सा प्रोग्राम। अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक तो बनता है। और मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए साथ में ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो और भी देखने के लिए। थैंक यू फॉर टुडे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।